ध्यान दिया जाए, आज के क्लास में आप एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका ट्वेल्थ के बहुत सारे चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आप अगर रासायनिक बल गतिकी चैप्टर पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास का, तो वहां साम्य अवस्था के इस कॉन्सेप्ट का भरपूर उपयोग होना है। साथ ही साथ इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा द्रव्यमान क्रिया का नियम, मास, लॉ ऑफ मास एक्शन, और ली चेटलियर प्रिंसिपल, जिसका पी ब्लॉक में उपयोग होना है अमोनिया के निर्माण में, H2SO4 के संपर्क विधि में और अमोनिया के हैवर प्रोसेस में। तो इसलिए इस चैप्टर का एक बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको अम्ल भस्म एवं लवण के बारे में एक बेहतरीन नॉलेज देकर जाएगा ये चैप्टर। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास प्रारंभ होने जा रहा है, परिचय आप अच्छे से समझ पाएंगे और समझने के बाद आप खुद हर एक टॉपिक को बतला पाएंगे। ध्यान दिया जाए, साम्य अवस्था यूनिट 7 इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। यह साम्य अवस्था क्या है, एकदम बारीकी से आपको हम समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले एक चीज जानिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक होता है उत्कर्मणीय अभिक्रिया और एक होता है अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। तो सबसे पहले अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया एकदम जीरो लेवल से, तब उसके बाद साम्य अवस्था का कॉन्सेप्ट हम तुरंत दे रहे हैं। ध्यान दिया जाए, आप लोग को इतना तो नॉलेज है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एरो से पहले जो होता है उसको अभिकारक कहते हैं और एरो के बाद जो होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रतिफल का निर्माण करता है लेकिन प्रतिफल पुनः संयोग करके अभिकारक का निर्माण नहीं करता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को केमिस्ट्री के दुनिया में अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके आपस में प्रतिफल का निर्माण करता है और प्रतिफल भी पुनः अभिक्रिया करके अभिकारक का निर्माण कर सकता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को केमिस्ट्री के दुनिया में उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझेंगे, यहां केवल अभिकारक प्रतिफल का निर्माण करेगा लेकिन प्रतिफल के पास क्षमता नहीं है कि वह आपस में अभिक्रिया करके अभिकारक का निर्माण कर दे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो प्रतिफल का निर्माण करता ही है, प्रतिफल भी पुनः संयोग करके अभिकारक का निर्माण करता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को केमिस्ट्री के दुनिया में उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। आपको बता दें कि इस प्रकार की अभिक्रियाएं केवल सिंगल डायरेक्शन में संपन्न होती है और ये हमेशा के लिए अभिकारक से प्रतिफल में बदल जाती है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो है हमेशा दोनों दिशाओं में चलती रहती है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को सिंगल तीर द्वारा दिखाते हैं, इसको डबल तीर द्वारा या इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है, हमेशा चलते रहती है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमेशा विषमांगी अभिक्रिया में देखने के लिए मिलता है। विषमांगी अभिक्रिया का मतलब क्या है, विषमांगी अभिक्रिया का मतलब है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दो भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं KCLO3 टूटेगा तो ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन गैस में ये टूटता है, तो यहां पर देख सकते हैं अभिकारक जो है वो ठोस अवस्था में है और जो उत्पाद बना, जो प्रतिफल बना, वो ठोस और गैस दोनों ही अवस्थाओं में। तो कहने का मतलब ये विषमांगी अभिक्रिया है, जबकि यहां देख सकते हैं अमोनिया का निर्माण अमोनिया में दोनों अभिकारक के अणु और गैसीय अवस्था में है और जो प्रतिफल बनेगा वो भी गैसीय अवस्था में है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं समांगी अभिक्रिया। तो हमेशा समांगी अभिक्रियाएं अधिकतर क्या होती है, उत्कर्मणीय होती है, दोनों दिशा से संपन्न होने वाली होती है, और जो विषमांगी अभिक्रिया होती है जो जिसमें अभिकारक और प्रतिफल समान भौतिक अवस्था में नहीं होता है वो अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया होती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि साम्य अवस्था क्या है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल हम देने का प्रयास करेंगे आपके डेली लाइफ से भी,
लेकिन फिलहाल अब यहां केमिस्ट्री का क्लास है इसलिए केमिस्ट्री से ही शुरुआत करते हैं। सपोज दैट 8:42 पर, ठीक है, अभी H2 और I2 दोनों पदार्थ को हमने इस बंद बर्तन में लिया, इस बंद बर्तन में लिया और दोनों का 30-30 ग्राम बढ़िया से तौलकर या फिर सांद्रता के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। हम केवल समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये साम्य अवस्था क्या है, एकदम सहज ढंग से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। 8:42 पर दोनों को तौल तौल कर 30-30 ग्राम ले ली और लेने के बाद ये रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने पर ये बना रहा है 2HI, ठीक है, यानी HI बनाया और HI का बनना प्रारंभ हो गया। जब 9:42 हुआ, सॉरी 8:52 हुआ, यानी 10 मिनट समय बीता, तो यहां पर HI का कुछ अमाउंट बन गया। अभिकारक ही, आप लोगों को पता है कि अभिकारक ही प्रतिफल का निर्माण करता है। अभिकारक जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, प्रतिफल। ये प्रतिफल हमने नहीं लिया है बर्तन में, प्रतिफल बना है। किससे बना है, कौन है अभिकारक, H2 और I2। थोड़ा ध्यान देंगे, दोनों का 30-30 ग्राम लिए थे तो जब अभिकारक से प्रतिफल बनेगा तो क्या ये 30-30 ग्राम रहेगा, कम होगा, क्योंकि इसी से ही मेटेरियल टूट टूट कर किसको बनाएगा, HI को। तो इसका मेटेरियल हमने नहीं लाया है, वो अपने आप आ रहा है रिएक्शन के दौरान। तो ये जैसे जैसे रिएक्शन करेगा वैसे वैसे इसका सांद्रता, इसका जो मात्रा है वो बढ़ता जाएगा। तो अभी 10 मिनट रिएक्शन हुआ तो HI कुछ बना, 1 घंटे तक HI का निर्माण लगातार चल रहा है, लगातार HI बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। तो जब इस बर्तन में HI की अधिक मात्रा बन गई तो HI भी पुनः टूटकर H2 और I2 बनाने लगा। तो पहले इस बर्तन में केवल H2 I2 रिएक्शन करके 2HI का निर्माण कर रहा था, अब 2HI भी टूटकर H2 और I2 का निर्माण करने लगा। तो इस बर्तन में एक नहीं, दो रिएक्शन, दो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है, एक अभिकारक से प्रतिफल बनने का, एक प्रतिफल से। अभी कुछ समय और बीता, तो कुछ समय और बीता तो हम क्या देख रहे हैं कि जिस स्पीड से H2 I2 टूटकर HI का निर्माण कर रहा है उसी स्पीड से HI टूटकर H2 और I2 बना रहा है। तो किसी का सांद्रता, किसी का मात्रा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ध्यान देंगे अच्छे से एकदम। तो यहां H2 और I2 लगातार संयोग करके पहले HI बनाया, जब HI का मात्रा अधिक बन गया तो HI टूट टूट कर H2 और I2 बनाने लगा। तो लगातार जब ये रिएक्शन संपन्न हो रहा था तो कुछ समय बाद जिस स्पीड से अभिकारक प्रतिफल का निर्माण कर रहा है उसी स्पीड से प्रतिफल भी अभिकारक का निर्माण करने लगा। तो हम कहेंगे कि ये जो अभिक्रिया है अपने साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो साम्य अवस्था क्या है, ये बात यहां सामने आ चुका है कि अगर जिस स्पीड से अभिकारक प्रतिफल का निर्माण करे, अगर उसी स्पीड से प्रतिफल भी अभिकारक का निर्माण करने लगे, तो हम कहेंगे कि हमारी जो अभिक्रिया है वो साम्य अवस्था को प्राप्त कर ली। यानी साम्य अवस्था किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वो अवस्था है जिसमें जिस स्पीड से अभिकारक प्रतिफल को बनाएगा उसी स्पीड से प्रतिफल भी। तो यहां हम आपके सामने अभी बात कर रहे थे कि रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय। क्या आप सोच भी सकते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य अवस्था को प्राप्त भी कर सकती है, तो केवल एक डायरेक्शन में होता है, जबकि साम्य अवस्था के लिए रिएक्शन को दोनों ही दिशाओं से होना जरूरी है। इसलिए आप ये बात माइंड में एकदम सेट कर लीजिए आज कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया ही केवल साम्य अवस्था को प्राप्त करती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के पास क्षमता नहीं है कि साम्य अवस्था प्राप्त भी कर ले, क्योंकि साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को दोनों दिशाओं से चलना होगा। और साम्य अवस्था वह अवस्था है जिसमें अग्रिम अभिक्रिया की दर पोस्ट अभिक्रिया की दर के क्या होती है, बराबर होती है। यानी जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट का निर्माण करेगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट का निर्माण करेगा। तो आप इस बात को अब फिर से एक बार समझने जा रहे हैं
ग्राफिकल डिस्कशन पर, लेकिन उससे पहले अपने माइंड में ये बात सेट कर लीजिए, दो तीन बात हमको बता दीजिए, तब हम ग्राफ आपको समझा पाएंगे। जल्दी बताइए, यहां पर आपको अच्छे से बताना है कि हमने इस बर्तन में सबसे पहले क्या लिया, कितना कितना ग्राम लिया, ये बात समझ में आ रहा है। अब जब रिएक्शन करेगा तो इस 30-30 ग्राम से टूट टूट कर नया पदार्थ बनेगा, वो नया पदार्थ कौन है? तो ये H2O2 जो 30-30 ग्राम बोले हैं, क्या कभी कभी भी 31 ग्राम भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसी से मटेरियल टूटेगा तो HI बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, HI क्या आप बर्तन में लिए थे? क्या आप प्रतिफल लिए थे? तो शुरू में प्रतिफल शून्य था और वो रिएक्शन के दौरान धीरे धीरे बना। तो अभी मान लीजिए शुरू में 5 ग्राम बना, फिर 10 ग्राम बनेगा, फिर 15 ग्राम बनेगा। इसका क्या मतलब है कि समय बीतेगा तो अभिकारक की मात्रा या सांद्रता क्या होगी? कम होगी, और प्रतिफल की सांद्रता बढ़ती जाएगी। कारण है कि प्रतिफल तो अभिक्रिया के दौरान बनता है। समझ में आ रहा है बात? अब इस बात को हम ग्राफ पर रखना चाहते हैं, जो आप लोग समझे उसको हम ग्राफ पर रखना चाहते हैं। तो ध्यान दिया जाए, ये ग्राफिकल डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी हम ग्राफ जो बनाने जा रहे हैं, ये ग्राफ सांद्रता और समय के बीच खींचा जाएगा। सांद्रता और समय के बीच, यहां हमने ग्राफ के इस अक्ष पर सांद्रता लिया है, सांद्रता, ठीक है, या मात्रा। तो यहां सांद्रता अभी अभी आप लेके चलेंगे और इस पर हमने समय लिया है। अब हमारा एक क्वेश्चन है आप लोग से कि अभी हम अभिकारक के लिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग क्या समझ सकते हैं कि अभिकारक की जो सांद्रता है वो समय के साथ क्या होगी? कम होगी। अभिकारक लगातार रिएक्शन करके प्रतिफल बनाता है तो उसका मटेरियल क्या होगा? और शुरू में ही सबसे ज्यादा 30-30 ग्राम था। अब उम्मीद मत करिएगा कि 31 ग्राम भी हो जाएगा, 30 से घटकर 28, 25, 20, लगातार कम होता जाएगा। तो आप इस बात को ग्राफ पर कैसे व्यक्त करेंगे? शुरू में ही जब समय शून्य था, रिएक्शन नहीं शुरू हुआ था, तो उसी समय ये सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे अधिकतम होगा। और समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे इसकी सांद्रता क्या होगी? और अगर हम ये ग्राफ आप किससे बोले कि प्रतिफल के लिए बनवाइए, तो क्या आप प्रतिफल लिए थे? तो नहीं का मतलब जीरो। और समय जैसे जैसे बीता, जैसे जैसे बीता वैसे वैसे प्रतिफल बना और इसकी सांद्रता बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई, और ये इस तरह से ग्राफ प्रतिफल के लिए प्राप्त हुआ, ये ग्राफ अभिकारक के लिए प्राप्त हुआ। अब हम इस ग्राफ का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं आपके सामने। यहां पर हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, लगातार सांद्रता अभिकारक का घट रहा है और प्रतिफल का। तो ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसका है? प्रतिफल का, प्रतिफल का। ये ग्राफ किसका है? अभिकारक का। हर बात आप अच्छे से समझ पाएंगे तो 12th क्लास जो है काफी मजबूती से समझ में आएगा, और ये सब पढ़ाई 12th क्लास में उपयोग होना है। कैसे उपयोग होना है क्लास के लास्ट में आज ही बताएंगे, पहले इसको देखा जाए अच्छे से। अब बताइए यहां पर क्या स्थिति देख रहे थे, लगातार घट रहा है। यहां पर क्या स्थिति देख रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। जरा बढ़िया से यहां से लेकर यहां तक के स्थिति का अध्ययन करिए, तो ना सांद्रता किसी का बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस स्पीड से H2 और I2 अभिक्रिया करके HI बना रहा है, उसी स्पीड से HI भी टूट कर किसको बना दे रहा है? तो यहीं से हमने परिभाषा निकाला क्या, कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्रिम अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है, जिस स्पीड से अभिकारक प्रतिफल का निर्माण करता है, जिस स्पीड से अभिकारक प्रतिफल का निर्माण करता है उसी स्पीड से प्रतिफल भी,
अभिकारक का निर्माण करता है। तो उत्क्रमण अभिक्रिया की इस अवस्था को हम साम्य अवस्था नाम देते हैं। तो साम्य अवस्था को हम अभी जिस अंदाज में आपके सामने रखे, ये रासायनिक साम्य अवस्था को संबोधित करता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम आपके सामने भौतिक साम्य अवस्था का एक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि यह साम्य अवस्था भी दो प्रकार की होती है, एक भौतिक साम्य अवस्था और एक रासायनिक साम्य अवस्था, अवस्था के आधार पर। तो अगर हम एक बर्तन में 300 ग्राम बर्फ तौल कर ले लिए, आइस, ठीक है, 300 ग्राम, और 300 ग्राम ही हम इसमें पानी डाल दिए, ठीक है, 300 ग्राम ही पानी डाल दिए, और टेम्परेचर जहां ये बर्तन रखा हुआ है वहां 0 डिग्री सेल्सियस कर लिए। आप लोग को अच्छे से पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप का वो मान है जिस पर बर्फ पिघलने लगता है। बर्फ पिघल कर किस चीज में बदल जाता है? बर्फ बदलने लगता है किस चीज में? लिक्विड में। और आपको अच्छे से यह भी बात पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस ही ताप का वो मान है जिस पर ये द्रव जमकर ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के लिए गलनांक है, ठीक है, और पानी के लिए हिमांक है कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है। तो जब हम आधे घंटे बाद हम निकाल रहे हैं इसमें से बर्फ और पानी अलग अलग, तो पता चल रहा है कि 500 ग्राम था, मतलब 300 ग्राम था, 300 ग्राम है। तो क्या अब क्या समझ पा रहे हैं? क्या कोई किसी में बदला नहीं है? बदला है। जितना आइस वाटर में बदला, उतना वाटर आइस में बदल गया, और इस दोनों के बीच साम्य स्थापित हो गया है। यही कारण है कि यहां कोई द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये बात जो आप समझ रहे हैं, ये भौतिक साम्य अवस्था का कॉन्सेप्ट है, और ये जो बात आपने समझा, ये कॉन्सेप्ट, ये रासायनिक साम्य अवस्था का, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ का परिवर्तन नहीं हुआ, रासायनिक कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है, और इसमें कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है, इसमें पदार्थ ही बदल गया है दूसरे पदार्थ। तो अब आप साम्य अवस्था को बहुत आसानी से सरल ढंग से समझ पाएंगे। क्या है साम्य अवस्था? तो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्रिम अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया के दर के क्या होती है? बराबर होती है। जिस स्पीड से अभिकारक प्रतिफल का निर्माण करता है, उसी स्पीड से प्रतिफल भी। और अब आप हर एक बात समझने का क्षमता रखते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक प्रतिफल का निर्माण करता है, लेकिन प्रतिफल पुनः संयोग करके अभिकारक का निर्माण। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक संयोग करके आपस में प्रतिफल का निर्माण करता है, और प्रतिफल पुनः संयोग करके अभिकारक का निर्माण करता है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बटपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक दिशा में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दो तीर के चिन्ह द्वारा दिखाते हैं, अनुत्क्रमणीय को सिंगल तीर से। इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमेशा चलते रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है, और इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमेशा के लिए अभिकारक से प्रतिफल में बदल कर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया का क्षमता नहीं है कि साम्य अवस्था का प्राप्त करे, क्योंकि साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया को दोनों दिशाओं से चलना होता है, और इसके पास क्षमता नहीं है कि दोनों दिशा से चले। और इस प्रकार की अभिक्रियाएं यानी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हमेशा साम्य अवस्था को प्राप्त करती है। हमेशा विषमांगी अभिक्रिया जो होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, हमेशा समांगी अभिक्रिया क्या होती है वो उत्क्रमणीय होती है। और इसके बाद हमने आपको साम्य अवस्था के बारे में बताया, और साम्य अवस्था समझाने के क्रम में ये भी बताया कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ हमेशा घटती जाती है, और प्रतिफल की सांद्रता समय के साथ। तो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्रिम अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है, साम्य अवस्था कहलाती है। साम्य अवस्था में
कभी भी अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही कारण है कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्थिति है ये बीच का यही साम्य अवस्था है। यहां पर अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता या मात्रा में कोई परिवर्तन, यानी ये फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, तो ये इस बात को दिखा रहा है कि इसकी सांद्रता ना बढ़ रही है ना घट रही है। हो क्या रहा है? तो हो ये रहा है कि जिस स्पीड से अभिकारक प्रतिफल को बनाया उसी स्पीड से प्रतिफल भी, तो इसलिए सांद्रता ना बढ़ते हुए दिखाई दे रही है ना घटते। समझ में आ रहा है? चलिए अब लिख लिया जाए, 10 मिनट